चलिए, ओवरहेड का मशीन ओवरहेड कैलकुलेशन चल रहा है। मैंने आप लोगों से जो वादा किया था निभाने की कोशिश करूंगा। जहां पर मैंने बोला है मैं आप लोगों के साथ मशीन ओवरहेड कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, आज भी हम लोग मशीन ओवरहेड का कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दो तीन फोन आया था रिगार्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को वेरिएबल में ही आप लोग डाल दीजिए, लेकिन हाँ जहां पर पैरा नाम लिखा है आप वहां पर स्टैंडिंग में डाल सकते हैं, लेकिन उसको भी आप वेरिएबल में डालेंगे। इससे आपका आंसर का क्या डिफर होगा? नो, नॉट एट ऑल, आंसर का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही आएगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, In a machine shop of a machine of a company there are five identical machines operates by three operators. Each machine cost कितना मशीन है? पांच। कितना ऑपरेटर लोग काम करता है? तीन। Each machine cost ₹1 lakh and estimated value is 10,000 after 10 years. नॉर्मल वर्किंग आवर्स अवेलेबल 2,000 hours इन अ ईयर बोल दिया है। द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू सच वन ऑफ सच मशीन एज वेल एज मशीन शॉप आर गिवन। मतलब मेरा पांच आइडेंटिकल मशीन है, उसमें मशीन का कॉस्ट भी बोल दिया है और मुझे जो डेटा दिया है वो रिलेटिंग टू द वन मशीन। तो आपको करना क्या पड़ेगा देखते हैं। रेंट, सुपरवाइजर, पावर, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वर्क्स ओवरहेड, ऑपरेटर सैलरी ड्यूरिंग द ईयर, मशीन आइडल टाइम बोल दिया है, रूटीन मेंटेनेंस एंड 150 hours ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। कैलकुलेट कॉम्प्रिहेंसिव मशीन ओवरहेड। यहां पर हम लोग सीखेंगे जनरल मशीन ओवरहेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन ओवरहेड। है कुछ नहीं, आप लोग पूरा ही जानते हैं, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग है, प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा अलग है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ जनरल मशीन आवर रेट एंड इसका जनरल मशीन आवर रेट भी बोला जाता है एंड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट आवर रेट फॉर मशीन। आप कौन सा मशीन का नाम कुछ नहीं जानते हैं। ओके, यहां पर एक एक करके आने से पहले फर्स्ट दो काम जो करना पड़ता है हम लोगों को, इफेक्टिव मशीन आवर एंड डेप्रिसिएशन। तो एक मशीन का कॉस्ट 1 lakh है, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 एंड टिन एंड लाइफ है 10 ईयर। तो 10,000 माइन 1 lakh माइनस 10,000 बाई 10 एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न 1,000 इफेक्टिव मशीन आवर। टोटल मशीन आवर कितना? 2,200 नक्की। ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है मशीन आवर है, कितना मशीन आवर ड्यूरिंग द ईयर? 2000 एकदम ऊपर में बोल दिया। देखो नॉर्मल वर्किंग आवर्स अवेलेबल 2000 hours अवेलेबल, क्या 2000 hours काम हुआ है? देखना पड़ेगा। लेस आइडल टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस, तो रूटीन मेंटेनेंस मतलब आइडल टाइम फॉर मेंटेनेंस कितना? 200 hours और ये जो लॉस ऑफ आवर्स है 150 दैट इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, ये क्या नॉर्मल है? प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल शॉर्टेज होगा और क्या नॉर्मल होता है? नो, इसको हम मान के चलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम। लेस, अच्छा कोई लेस नहीं होगा, इफेक्टिव रनिंग आवर 1800 नोट
assuming idle time due to shortage of material is abnormal in nature, hence the corresponding cost will charge to costing PL. Okay. मतलब abnormal जो पार्ट है उसको आप valuation करेंगे, लेकिन जो normal है वो हम लोग total cost hour से minus कर देंगे. Abnormal को हम लोग माइनस नहीं करेंगे, because abnormal को हम लोग separate valuation करते हैं. तो separate valuation करने का मतलब है उसका separate calculation होगा. तो 1800 hours में basically production में charge होगा 1650 और 150 hour charge होगा abnormal idle time के लिए. Okay? तो हम लोगों का effective जो normal hour मिलेगा That is 2000 minus 200, 1800. यहां से abnormal idle time नहीं minus करते हैं. सवाल है क्यों नहीं करते हैं? Because हम लोग separate valuation करते हैं. लेकिन normal idle time का हम लोग separate valuation नहीं निकालते हैं. Because उसका जो corresponding cost है, वो good production hour में ही absorb हो जाता है. लेकिन abnormal का separate valuation होता है, इसलिए उसका separate rate निकालना पड़ेगा. So 1800 का दो bifurcation है. 1650 actually work and 150 actually not work due to abnormal reason. मुझे क्या दो rate निकालना पड़ेगा? No, not at all. यहाँ पर सिर्फ normal working rate ही निकालना पड़ेगा. Abnormal का कोई rate निकालना नहीं पड़ेगा. Clear? तो चलिए आते हैं. Standing charge क्या-क्या है? पहले आता है rent of the machine shop. Rent of machine शॉप. मुझे बता सकते हैं कितना? सर रेंट ऑफ द मशीन शॉप है 4,000 पर मंथ और मुझे ईयरली लेना है तो इनटू 12 मंथ्स. बोलिए तो इनटू क्या होगा? ये कितना जगह लिया है बोला है? सर एक मजे का बात देखिए, आप लोग गौर नहीं किए, क्वेश्चन में 5 आइडेंटिकल मशीन्स के बारे में बताया गया है. कैन यू से मी That identical का मतलब क्या होता है? सर सेम टाइप का मशीन, मतलब सेम साइज का मशीन. तो मशीन एक्स अगर 100 स्क्वायर फीट लेता है तो मशीन वाई भी 100 स्क्वायर फीट लेगा, मशीन जेड भी 100 स्क्वायर फीट लेगा. मतलब इक्वली जगह लिया है 5 मशीन. तो टोटल मेरा जो रेंट है विच इज टू बी अपोर्शन अमॉन्ग 5 मशीन इक्वली. तो ये पर्टिकुलर एक मशीन के लिए भी हम लोगों को क्या डिवाइड करना पड़ेगा? 1/5. क्लियर और नॉट? समझ में आया? यस सर. ओके. टोटल जो रेंट ऑफ द मशीन है पूरा मशीन शॉप का है और मशीन शॉप में 5 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड मतलब सेम टाइप ऑफ मशीन, सेम सिमिलर. तो सिमिलर मतलब सेम जगह ही लेगा सर, यही अज्यूम कर सकते हैं. तो आराम से कर दीजिए कितना आएगा. 400 × 12 × 1/5 960. उसके बाद शॉप सुपरवाइजर सैलरी. बोलिए शॉप सुपरवाइजर वाइजर सैलरी. बोलिए तो बेटा क्या होगा? सर शॉप सुपरवाइजर सैलरी 2000 पर मंथ. तो रुपीज 2000 पर मंथ मतलब इंटू 12. बोलिए तो क्या होगा? सर सुपरवाइजर क्या एक मशीन का सुपरवाइजर बोला है ना शॉप का सुपरवाइजर बोला है? शॉप का सुपरवाइजर. शॉप में क्या एक मशीन है ना 5 मशीन है? तो 1/5 अगेन. गॉट माय पॉइंट? आई एम आस्किंग टू एवरीवन,
Yes, sir. पावर कंजम्पशन सर वो तो स्टैंडिंग में नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोलो फॉर द मशीन शॉप बोल दिया है 200 पर मंथ, रुपीज 200 पर मंथ इनटू 12 मंथ, कितना मशीन है, आइडेंटिकल मशीन, तो 5 मशीन के लिए सेम ही लगेगा 480। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैं पूरा इसको डाल ही दूंगा इसमें ऑपरेट वेरिएबल में। वर्क्स ओवरहेड एलोकेटेड, वर्क्स ओवरहेड एलोकेटेड, वर्क्स ओवरहेड एलोकेटेड मतलब बहुत सारा एक्सपेंसेस है जो हम लोगों ने अलग से नहीं लिखा, सिर्फ मशीन के लिए एलोकेट कर दिया एलोकेटेड। यहां पर फॉर द मशीन शॉप नहीं बोला है, फॉर द मशीन बोला है, तो 1500 पर मंथ। ऑपरेटर सैलरी एकदम हाथ नहीं लगाएंगे, डिप्रिसिएशन नो, कोई बता सकेगा टोटल कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम कहां दिया है, वही तो खोज रहा था, ओ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन बोल दिया है, गुड, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, इंश्योरेंस प्रीमियम 500 पर क्वार्टर, रुपीज 500 इंटू 4 क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होता है और ये मशीन शॉप का नहीं है, मशीन का है, दैट इज 2000 रुपीज। क्लियर, और कुछ बाकी है पीयूष? नो सर, बाकी रनिंग 1500 प्लस 2000। अरे एक साथ बात करोगे तब तो मजा आएगा क्लास करने में, नहीं तो सो जाओगे। 9740 इफेक्टिव मशीन आवर कितना डिवाइडेड बाय 1800 स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कितना सर 5.41 रनिंग चार्जेस डेप्रिसिएशन जितना तक मुझे याद है 9000 डिवाइडेड बाय कितना आवर्स सर 1800 आवर्स, तो पर आवर कितना होगा, चलिए 5। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कितना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पावर नहीं दिया है यहां पर, अच्छा मैं डाल देता हूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाँ पावर कंजम्पशन बोल दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2500 किसका है, फॉर द मशीन बोल दिया है, वेरी बी केयरफुल, 2500 डिवाइडेड बाय 1800 कितना 1.38। पावर कितना, पावर बोलो सर, पावर बोल दिया है, एक यूनिट रन कराने के लिए 10 रुपया लगता है, तो एक यूनिट रन कराने के लिए 10 यूनिट लगता है और पर यूनिट 2 रुपया करके, तो 10 यूनिट्स पर आवर इंटू रुपीज इंटू रुपीज 2 कितना 20 रुपया। ऑपरेटर सैलरी आएगा ना सर, ऑपरेटर सैलरी यस, किंतु यहां पर नहीं, यहां पर ही हम लोग देखेंगे टोटल रनिंग कॉस्ट कितना
बोलो 26.38 ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिखो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग ऑपरेटर सैलरी सैलरी ऑपरेटर्स का सैलरी हम लोगों ने ऐड नहीं किया है तो दैट इज कॉल्ड जनरल मशीन आवर रेट जनरल मशीन आवर रेट कितना ए प्लस बी प्लस 26.38 खत्म यहां पर नहीं होता है ऑपरेटर्स सैलरी कितना ऑपरेटर सैलरी ऑपरेटर सैलरी देखिए ऑपरेटर सैलरी पर ऑपरेटर बोल दिया है 1000 रुपया पर मंथ और कितना ऑपरेटर है 3 ऑपरेटर बोल सकते हैं पूरा मशीन शॉप में 3 ऑपरेटर काम करता है 5 मशीन के लिए तो ऑपरेटर सैलरी क्या होगा ₹1000 इंटू 3 ऑपरेटर्स इंटू 12 मंथ तो टोटल आपका साल का टोटल ऑपरेटर सैलरी निकल गया इंटू एक मशीन का कितना 1/5 5 मशीन को हैंडल करता है 3 जोन तो एक मशीन के लिए कितना खर्चा होता है इंटू 1/1800 आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे चलिए नंबर 3 ऑपरेटर्स वेजेस ब्रैकेट में लिख दो 3 ऑपरेटर्स वर्क टुगेदर फॉर 5 identical machines तो क्या होगा ₹1000 इंटू 3 operators इंटू 12 months समझ में आया तो ऑपरेटर सैलरी सो ऑपरेटर सैलरी सैलरी फॉर द मशीन शॉप पूरा मशीन शॉप के लिए कितना होगा बेटा 36,000 तो ऑपरेटर सैलरी सो ऑपरेटर्स सैलरी फॉर वन मशीन कितना होगा ऑपरेटर सैलरी फॉर वन मशीन बोलो वन मशीन क्या होगा सर वेरी सिंपल 36,000 इंटू 1/5 यस और नो 36,000 डिवाइडेड बाई 5 कम्स टू 7,200 कम्स टू 7,200 चलिए तो ये मेरा आ गया है ऑपरेटर सैलरी क्या होगा ₹7,200 होल डिवाइडेड बाय एक मशीन कितना घंटा काम करता है इफेक्टिवली 1800 तो कितना आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय 1800 दैट इज 4 ई कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट आवर रेट मतलब सर जनरल मशीन आवर रेट प्लस ऑपरेटर्स वेजेस और कुछ नहीं है दैट इज 35.79 क्लियर और नॉट तो कॉम्प्रिहेंसिव और जनरल में एक ही अंतर है अगर ऑपरेटर सैलरी ऐड करते हो तो कॉम्प्रिहेंसिव अगर ऑपरेटर सैलरी नहीं ऐड करते हो तो जनरल ओके कोई प्रॉब्लम
एनी जगह आपको लग रहा है सर एक बार बोल दीजिए. नो सर क्लियर है. ओके तो एकदम लाइन टू लाइन मैंने दे दिया है. अच्छा मैं छोटा एक जगह करता हूं. यहां पर मैंने क्या एज्यूम करके चला था. एज्यूमिंग दैट इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट एजम्पशन. अबनॉर्मल नेचर जो आइडल टाइम था वो अबनॉर्मल इन नेचर. अगर एज्यूमिंग आइडल टाइम टाइम फॉर आइडल टाइम फॉर shortage of material is normal in nature. तो normal in nature मतलब इस hour का जो corresponding cost है वो कहां पर जाएगा. good units में चला जाएगा. तो ये assumption अगर follow करते हैं तो कैसे करेंगे solution. मेरा सर सब same रहेगा लेकिन effective hour change हो जाएगा. कैसे effective hour less less idle time time for material shortage. कितना 150. तो इफेक्टिव मशीन आवर कितना होगा. इफेक्टिव मशीन आवर 1650. मतलब पूरा कॉस्ट ऑफ 1650 के ऊपर में हम लोग एलोकेट करेंगे. तो मैं क्या पूरा सोल्यूशन करूंगा एकदम नहीं सर. कोई मतलब ही नहीं होता है. हम लोग लिखेंगे यहां पर डालेंगे पेस्ट करके. यहां पर कोई मतलब नहीं है तो स्ट्रेट अवे में उसको हटाइए. डिलीट बस. तो टोटल ठीक है. इफेक्टिव मशीन आवर और 1800 नहीं होगा 1650 आवर होगा. तो इफेक्टिव मशीन आवर रेट कितना होगा बोलो सर. 9740 डिवाइडेड बाय 1650 हाउ मच. 5.90. रनिंग आवर 1 डिप्रिसिएशन 1800 से डिवाइड नहीं होगा 1650 आवर से डिवाइड होगा. कितना सर. 9000 डिवाइडेड बाय 1650 कम्स टू 5.45. रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी सर 1650 के बेसिस में. आवर्स कितना 2500 डिवाइडेड बाय 1650 1.51. पावर पावर में कोई झमेला नहीं है 20 रुपीज. तो रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा 5.45 प्लस 1.51 प्लस 20 26.96. तो जनरल हो जाएगा प्लस 5.9 32.86. ऑपरेटर सैलरी जो 1800 से डिवाइड हुआ था वो हो जाएगा 1650. यहां पर थोड़ा बोलना है मुझे. 1650 कितना होगा 4.5 कितना 4.36 टोटल 32.86 37.22. मुझे एक जगह. तो ये अगर अबनॉर्मल है तो नॉर्मल है तो इस तरीके से ट्रीट करेंगे और अबनॉर्मल है तो यहां पर ट्रीट होगा. ओके अच्छा मुझे एक चीज बोलना है ना. ठीक ही है ऑपरेटर सैलरी
ये जो 1800 से हम लोग डिवाइड किए हैं, स्टूडेंट बोल ही सकता है मुझे अभी लग रहा है सर क्या ये 1800 से ऑपरेटर सैलरी डिवाइड होगा ना 1650, बिकॉज एक्चुअली तो मशीन सर 1800 आवर्स काम नहीं किया है, मशीन एक्चुअली काम किया है 1650 आवर, तो क्या ऑपरेटर सैलरी 7200 बाई 1800 होना चाहिए? मैं बोलूंगा 1800 का सोल्यूशन ठीक है, बिकॉज मेरा यहाँ पर ऑपरेटर का सैलरी ना पर मंथ दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए इस 1800 के ऊपर ही एलोकेट किया है। लेकिन स्टूडेंट अगर इसको 1650 से बेसिस में एलोकेट करना चाहता है जितना आवर मशीन काम किया है तब भी आंसर होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग इसको 1800 आवर के बेसिस में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये एरिया मैंने बोल दिया है। एक चीज मैं लिख के देता हूं सो दैट आपके दिमाग में रहेगा नोट, योर ऑपरेटर्स सैलरी इज एलोकेटेड ओवर your operator salary is allocated over 1800 effective machine hours. However, why as operator salary is given as month wise, however we can use machine running hour for this purpose, then operator salary per running hour is how much is जो मैंने किया था that is 7200 divided by 1800 minus 150 hours that is equal to 7200 divided by 1650 4.3। तो आपका नोट इज सपोर्टिंग रहेगा। मैं अगर इसको मानता हूं मेरा ऑपरेटर सैलरी मुझको देना पड़ेगा, इवन मेरा मटेरियल नहीं आ रहा है तब भी मुझको देना पड़ेगा, देन इन दैट केस मैं 1800 से डिवाइड करूंगा। लेकिन मैं अगर एज्यूम करके चलता हूं अगर मशीन रन नहीं होगा तो ऑपरेटर सैलरी भी नहीं लगेगा, देन मैं 1650 के ऊपर एलोकेट करूंगा। तो फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मैंने 1800 के ऊपर ही किया है, लेकिन मेरे नोट में आप लोगों को पूरा चीज समझा दिया है। एनी क्वेश्चन? ओके, तो मैंने सेटअप का नॉर्मल सेटअप, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव सेटअप क्या कराया है, मैंने अबनॉर्मल टाइम का नॉर्मल आइडल टाइम, अबनॉर्मल आइडल टाइम वो भी आप लोगों के सामने रखा है। नाउ प्रॉब्लम नंबर टू, a machine shop has 6 identical machine manned by 5 operators. In manned what ka matlab kya hai, man ko yahan par verb kiya gaya hai, man ka matlab hai 5 operator lagega 6 identical machine chalane ke liye, the machine cannot work without any operator wholly engaged on it। मतलब पहले क्या करता था, पहले 3 operator सभी machine को चला सकता था, लेकिन यहां पर एक machine चलाने के लिए एक ही operator लगेगा।
सो अगर ऑपरेटर नहीं है तो मशीन काम नहीं करेगा। तो मेरा सवाल है, यहां पर 6 मशीन है, 5 ऑपरेटर है और मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटर, मैं बोल सकते हैं कितना मशीन रेगुलरली वर्क करेगा? 6 और 5 एवरेज 5 सर। 6 और 5 कितना मशीन एक्चुअली वर्क करेगा, 6 मशीन ना 5 मशीन? सिर्फ 5 वर्क करेगा। क्यों? सर क्योंकि ऑपरेटर के बिना नहीं चलेगा सर। सर बिना ऑपरेटर का तो मशीन चलेगा ही नहीं, आपने बोल दिया है। तो हाउ इज इट पॉसिबल सिक्स यूजिंग द 6 ऑपरेटर यू कैन रन द 6 मशीन्स? नो, मतलब मेरा ऑपरेटर ही मेरा मशीन रनिंग को डिसाइड कर रहा है। तो पर ऑपरेटर मतलब 5 ऑपरेटर है तो 5 मशीन रन करेगा, उससे ज्यादा नहीं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द 6 मशीन इज 12 लाख, मतलब 6 मशीन का टोटल कॉस्ट बोल दिया 12 लाख। द फॉलोइंग आर एस्टिमेटेड अवेलेबल फॉर द ईयर 2021। नॉर्मल वर्किंग आवर पर मंथ पर ऑपरेटर, देखो 220 एब्सेंट विदाउट पे, वो मुझे पता नहीं, एब्सेंट कर रहा है 20 आवर्स। क्या अगर एब्सेंट करेगा तो मशीन रन हो सकता है बेटा? नो। लीव विद पे, सर वो पे विद पे है और विदाउट पे है, क्या मशीन रन हो सकता है? नो। नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल, मतलब यू कैन अवॉइड इट, दैट्स व्हाई ये नॉर्मल 20 आवर्स। तो मेरा एक्चुअल मशीन आवर कितना काम किया वो मुझे निकालना पड़ेगा, ऑपरेटर्स वेजेस दे दी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बोनस, कॉस्ट ऑफ द पावर, ये पूरा डिटेल दे दिया है, पूरा मशीन का ही, कोई सिंगल मशीन का नहीं है, सब कुछ दे दिया है। चलिए करते हैं मजे के साथ। चलिए पहले ही हम लोग काम करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में स्पेशली यहां पर कुछ बोला नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो हटाइए। इफेक्टिव मशीन आवर, इफेक्टिव आवर्स, अच्छा इफेक्टिव मशीन आवर, चलो नॉर्मल वर्किंग आवर, वर्किंग आवर पर ऑपरेटर कितना, एक ऑपरेटर कितना घंटा काम करता है बेटा? 220 पर मंथ, पर मंथ 220 लेस क्या क्या, एब्सेंट एब्सेंट विदाउट पे 20, एब्सेंट विदाउट पे 20 लेस, लीव विथ पे
20 less normal idle time तो इफेक्टिव वर्किंग आवर पर मंथ पर ऑपरेटर 160 effective working hour per month per operator 160 here it is given that machine can not work without operators engaged on it. मतलब मैं बोल सकता हूं without operator machine नाम नहीं करेगा. So machine running hours equal to एक operator कितना घंटा काम करता है 160 hours. कितना ऑपरेटर्स है 5 ऑपरेटर्स. कितना महीना है 12 मंथ्स. देखो तो कितना होता है 160 इंटू 5 ऑपरेटर इंटू 12 महीना करके 9600 आवर्स. क्लियर और नॉट 9600 आवर्स ऑपरेटर्स वेजेस ऑपरेटर सैलरी. क्या बोला है ऑपरेटर्स वेजेस. कितना ऑपरेटर को पेमेंट करना पड़ेगा भाई. नॉर्मल आइडल टाइम के लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा. लीव विद पे के लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा. लेकिन 220 में 20 आवर के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा एब्सेंट विदाउट पे. तो वर्कर्स वर्कर्स working hour workers total working hour per month operators not worker per month kitna 220 less less absent without pay. तो कितना absent hour absent है जिसके लिए payment नहीं करना पड़ेगा 20 hours to be paid. hours कितना hour pay करना पड़ेगा that is 200 hours per month. टोटल वेजेस कितना 200 आवर्स इनटू रूप. कितना ऑपरेटर है 5 ऑपरेटर्स. मंथ कितना है 12 मंथ्स इनटू कितना रेट बोला है. देखो वेजेस का कुछ 40/8 रुपीस बोल दिया है. 8 आवर्स के लिए रुपीस 40. तो मैं आराम से बोल सकता हूं रुपीस 40/8. समझ में आया रुपीस 40/8 आवर्स. बोलो 200 इंटू 5 ऑपरेटर्स इंटू 12 महीना
into 40 divided by 8, 60,000. Done. So total wages bhi aa gaya. Chalo. Add bonus. देखो यहां पर बोनस बोला है कितना 15% of wages. चलो प्रोडक्शन बोनस बोनस 15% ऑन 60,000 9,000 टोटल पेमेंट 69,000 ओके कितना आवर के लिए फॉर 9,600 इफेक्टिव आवर मतलब जितना आवर काम किया हुआ है चलो एक एक करके देखते हैं मुझे लगता नहीं होगा चलो 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 कॉस्ट ऑफ द सुपरवाइजर सैलरी 8,100 आराम से लिख दो सुपरवाइजर सैलरी इज अ फिक्स्ड सुपरवाइजर सैलरी कितना सुपरवाइजर सैलरी 8,100 सुपरवाइजर सैलरी 8,100 लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 3070 3070 lighting and electricity lighting and electricity or repair and maintenance yahan par nahi insurance 30,000 pura hi 6 machine insurance 30,000 Insurance 30,000. Management expenses allocated 84. Management expenses allocated. Bent expenses allocated 84. Depreciation to baad mein karte hain. Total kitna? Sir, 8,100. Plus 3070 plus 30,000 plus 84,000. 125,170. Effective running hour 9,600 pehle nikal chuke hai. Divided by 9,600 that is 113.04. Running mein depreciation. Depreciation kitna hai beta? Sir, bol diya hai 15% of original cost. Original cost 12 lakh. तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 15% ऑन रुपीज 12 लाख डिवाइडेड बाय कितना आवर्स 9,600 आवर्स यस और नो तो 12 लाख 12 लाख डिवाइडेड बाय 9,600 125 रुपीज रिपेयर एंड मेंटेनेंस खोजो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आई थिंक है यस 2% ऑन द कॉस्ट सर इसको मैं फिक्स भी मान सकता हूं यस आराम से 2% ऑन रुपीज 12 लाख सर डिप्रिशिएशन का तो 15% लिए नहीं सर यस 18.75 आर 12 लाख इनटू 15% नहीं लिया था ओ अच्छा 9600 कितना हुआ 18.75 सॉरी और यहां पर 2% ऑन रुपीस 12 लाख डिवाइडेड बाय 9600 आवर्स बोलो 2.5 2.5 यस और नो
सर 2% ऑन 12 लाख डिवाइडेड बाय 9600 आवर्स पावर कॉस्ट ऑफ पावर स्ट्रेट वे में बोल दिया है 20,700 तो कुछ दिखना नहीं है पावर गया कहां पावर कितना पावर यहां पर पावर यूनिट के बेसिस में नहीं दिया है टोटल दे दिया है 20,700 यस और नो 20,700 वेरी गुड डिवाइडेड बाय 9,600 आवर्स तो पावर आवर के लिए कितना मान के चलूंगा 20,700 डिवाइडेड बाय 9,600 दैट इज 2.16 टोटल कर दो अच्छा यहां पर ऑपरेटर सैलरी डाल देते हैं बिकॉज यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए नहीं बोला है चलो यहां पर भी कॉम्प्रिहेंसिव कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इफेक्ट तो सेम ही आएगा क्या करूं यहां पर करूं ना जो नहीं बोला है मत करो ऑपरेटर सैलरी सैलरी कितना बोलो बोलो सर ऑपरेटर सैलरी हम लोग ने करके रखा है दैट इज 69,000 इंक्लूडिंग बोनस ऑपरेटर सैलरी इंक्लूडिंग बोनस 69,000 होल डिवाइडेड बाय 9,600 69,000 डिवाइडेड बाय 9,600 फिगर कम्स टू 7.19 7.19 टोटल बोलो 30.6 टोटल रनिंग होगा 30.6 प्लस 13.04 43.64 गलत किया सर इस बार भी Done? Yes. ये ऑनर्स लेवल के लिए बहुत ही उम्दा प्रॉब्लम है बहुत ही ये सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम सीए में आता है सेम टाइप ऑफ का प्रॉब्लम सीए में आता है सीएस में आता है एंड बीकॉम में तो एटलीस्ट 3-4 बार आ चुका है एक बार क्वेश्चन भी सेट हुआ है इसके ऊपर ओके देखो यहां पर अगर था तो मशीन आवर कैलकुलेट करना ऑपरेटर वेजेस और उसमें कुछ नहीं था कहीं पर कुछ नहीं था स्ट्रेट में फिगर इंफॉर्मेशन दे दिया था डन मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रहा हूं घर में करने के लिए आप लोग करेंगे एकदम नॉर्मल जो पहले मशीन आवर में काम किए थे लेबर आवर में सेम तरीका था लेकिन यहां पर मशीन आवर आएगा ओके कोई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कुछ नहीं है आराम से आ जाएगा इफेक्टिव आवर भी बोल दिया है सब कुछ दिया है अच्छा यहां तक कोई डाउट सर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेटेड क्या होता है मैनेजमेंट का कुछ एक्सपेंसेस है जो रिलेटिंग टू फैक्ट्री है फैक्ट्री को सुपरवाइज करना एक्सेट्रा वो सब वहां पर एलोकेट किया हो अगर वो लोगों का पॉलिसी है तो हम लोगों को एलोकेट करना ही पड़ेगा अगर इंटर मैनेज कॉस्टिंग मैनेजमेंट बेसिकली इंटरनल अकाउंटिंग अगर मैनेजमेंट बोल रहा है इसको एलोकेट करने के लिए देन एलोकेट करना ही होगा जैसे वर्क्स ओवरहेड एलोकेट किया था ना पहले प्रॉब्लम में सेम तरीके से